नमस्कार दोस्तों, मैं अनु गुप्ता, फॉर्मर योगा एक्सपर्ट टू द प्रेजेंट हाउस ऑफ इंडिया, आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पातांजलि योग सूत्र के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में आज फिर से हम बात करेंगे कि किस तरह से पातांजलि ऋषि के योग सूत्र को हम अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को बहुत स्मूथली आगे बढ़ाएं। अगर हम योग साधना में जाना चाहते हैं तो उसमें हम किस तरह से पातांजलि योग सूत्र का इस्तेमाल, हर एक सूत्र को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी जीना चाहते हैं, एक नॉर्मल लाइफ भी जीना चाहते हैं, एक आम इंसान का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो तब भी हम पातांजलि योग सूत्र का किस तरह से अपने जीवन के हर क्षण में, अपनी डे टू डे लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करें जिससे हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन पाए। तो बनिएगा मेरे साथ आज के सेशन में। हम शुरू करते हैं, एक पहले प्रेयर करेंगे, ओम का जाप करेंगे, उसके बाद प्रेयर करेंगे और उसके बाद आज का टॉपिक शुरू करेंगे। कल हमने जो समझा था वो था कि परमात्मा की ट्रू नेचर, उनके नेचर क्या है, परमात्मा कौन है। पातांजलि ऋषि के हिसाब से परमात्मा को कौन सा सिंबल दिया गया है, हम उन्हें किस प्रकार से याद करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पातांजलि जी की थी, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को परमात्मा नहीं कहा। इन शॉर्ट कल का सेशन अगर मैं रिपीट करूं, किसी भी व्यक्ति विशेष को जो हम नॉर्मली पूरे ह्यूमन काइंड करती है कि इनको भगवान मांग गया, इनको मांग गया, उनको कोई नाम दे दिया जाता है, लेकिन पातांजलि ऋषि ने उनको कोई नाम नहीं कहा, सिंपली कह दिया तस्य वाचिका प्रणवः। उनके नेचर पर ध्यान करते हुए, परमात्मा की नेचर के बड़े अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल शब्दों में बताया कि परमात्मा के गुण क्या है। नेचर नहीं समझ आता, जैसे आप मेरा नेचर लगा लीजिए, बहुत तेज तेज फटाफट बोलती रहती है, स्माइल होती है, इस तरह की आप मेरे नेचर लगा लीजिए, ठीक है। इस तरह से उन्होंने बताया कि परमात्मा की नेचर क्या होती है, कि वो हमेशा सम रहते हैं, हर जगह विद्यमान है, समय से परे है, समय का उन्हें ज्ञान है, चाहे वो पास्ट है चाहे वो प्रेजेंट है, वो हर कर्म से परे है, कर्म के फ्रूट से परे है, कोई उनको कर्म का फ्रूट नहीं मिलता, मतलब कि वो हर चीज में वो सम रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। सुप्रीम सोल उन्हें कहा, सबसे उत्तम सोल का उन्हें नाम दिया गया। इस तरह से उनके सभी उन्होंने गुणों के वर्णन किए, और इन गुणों पर ध्यान लगाते हुए हमें ओम शब्द का जाप करना चाहिए, उन्होंने इतना बताया। तो आज के सेशन को हम उसी संदर्भ में आगे बढ़ाएंगे कि ओम का जाप करते हुए या परमात्मा को याद करते हुए, साधना में आगे बढ़ते हुए, अपने जीवन को एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए, हमारी लाइफ में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कौन कौन सी रुकावटें आती हैं इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो। इफ वी आर नॉट ऑप्टिंग समाधि, वी आर नॉट ऑप्टिंग योग, हम एक योगिक लाइफ नहीं भी जीना चाहते, लेकिन फिर भी दोस्तों, अगर हमने कोई भी गोल बनाया होता है उसमें बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें आती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन ऑब्स्ट्रक्शन से और ऑब्स्टेकल्स से, उन सभी रुकावटों से हम कैसे आगे निकल पाए, आज का सेशन इसी पर है। तो इसलिए शुरू से लेके आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आखिर में इन ऑब्स्ट्रक्शन से निकलने के लिए जो मेडिटेशन है वो मैं कराऊंगी, तो पूरे सेशन में बनिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। हो सके तो ये वीडियो अभी साथ के साथ भी अगर आप शेयर करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, मोस्ट वेलकम फॉर दैट ऑल्सो। तो शुरू करते हैं आज का सेशन तीन ओम के जाप के साथ और परमात्मा के छोटे से श्लोक के साथ। तो बनिएगा मेरे साथ, लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाएगा, एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, निकाल जाए, एक लंबा गहरा श्वास भर जाए और निकाल जाए। ओम के जाप के लिए श्वास भरिएगा ओम के अर्थ पर ध्यान बनाते हुए, उनकी नेचर को सोचते हुए, महसूस करते हुए, वाइब्रेशंस के साथ ओम का जाप। एक पुनः लंबा गहरा श्वास भर जाए ओम के लिए,
नमस्कार मुद्रा में ले आए। एक बार यहीं पर बैठे बैठे रोज की भांति पातांगली ऋषि को नमस्कार कर जाए, अपने सभी गुरुजन को नमस्कार कर जाए, प्लीज जरूर कीजिएगा। अपने माता पिता को नमस्कार कर जाए और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे परमात्मा, हम पर ऐसी कृपा बनाए, हमारी बुद्धि ऐसी कर दे कि हम पातांगली ऋषि के ज्ञान को ग्रहण कर पाए, अपने अंदर सस्टेन कर पाए, उतार पाए पूरे से, हम अपने जीवन में भी इन सूत्रों को उतार पाए और सफलता के मार्ग पर, योग के मार्ग पर आगे निरंतर बढ़ते रहे। इसी के साथ परमात्मा को धन्यवाद दें आज के जो ऑलरेडी दिन निकल चुका है उसके लिए और आने वाले दिन के लिए भी। और शुरू करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रख लें, कप की तरह बनाते हुए आंखों पर ढके, धीरे से हाथ वापस ले आए। तो एक बार फिर से आई वेलकम यू ऑल इन द सेक्शन ऑफ पातांगली योग सूत्र। इसकी रिलेवेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में, और हमारी डे टू डे लाइफ में भी दोस्तों आप सब भी देखते होंगे, हर कुछ भी हम करने निकलते हैं, कोई भी चीज होती है, बहुत सारी दिक्कतें आती ही रहती हैं, लेकिन हम उनसे निकलते चले जाते हैं, कभी जल्दी से उनसे पॉप अप कर लेते हैं, कभी थोड़ा सा टाइम से। तो इसी संदर्भ में आज का सेशन है, जिसमें पातांगली ऋषि ने हमें किस तरह से इन ऑब्स्टेकल्स को पार करना है, किस तरह से हम इन ऑब्स्ट्रक्शंस को पार कर सकते हैं, इन रुकावटों को पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, वही सारी बात हम आज करेंगे। कल हमने कहा ओम का जाप करें, परमात्मा की नेचर को, उनके गुणों को याद करते हुए हम ओम का निरंतर जाप करें। ओम इज अ यूनिवर्सल साउंड, जिसको उन्होंने कहा प्रणव, उसको उन्होंने नाम दिया प्रणव। अब जैसा कि अभी मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि हम रुकावटों की बात करेंगे, अब ये रुकावटें कौन सी रुकावटें होती हैं, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा बता देते, बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। जैसे कि हमें कोई बीमारी है, ये एक तरह की रुकावट ही है दोस्तों। सपोज कीजिए किसी का काम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो कंप्यूटर में काम कैसे करेगा। एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना, कि एग्जाम्पल के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, वो काम किस तरह से करेगा। एक गार्डनर है, चलो ये इंजीनियर की बात छोड़ते, गार्डनर है, एक माली है, उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और दोनों हाथ में हो गया, एक में भी नहीं, चलो एक में लगा लेते हैं, एक हाथ में फ्रैक्चर, वो दूसरे एक हाथ से काम कैसे करेगा। ये एक तरह से रुकावट होगी ना उसके आगे बढ़ने में, उसके काम करने में। आप समझ रहे हैं रुकावट किस तरह से मैं कह रही हूँ। तो बीमारी जो है, किसी भी प्रकार की अगर हमें फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम होती है, वो हमारे काम की सक्सेस में एक तरह से रुकावट है। दूसरी उन्होंने कहा जैसे लेजीनेस, हम आलस करते हैं, आलस एक बहुत बड़ी बीमारी है। आलसी इंसान
कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका आलस उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी होता है, उसको चीजें आते हुए भी, उसको ज्ञान होते हुए भी ज्ञान व्यर्थ है, निरर्थक है ज्ञान अगर हम उस पे इम्प्लीमेंटेशन ना करें, उसको अपने जीवन में ना उतारें। तो एक आलसी व्यक्ति, उसका आलस उसकी सक्सेस में रुकावट है। फिर आता है हमारी प्रोकेस्टिनेशन। प्रोकेस्टिनेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, आलस के ऊपर की स्थिति है। आलस को तो फिर भी इंसान को कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर लेता है, अपनी तरफ से एफर्ट दिखाता है, लेकिन प्रोकेस्टिनेशन वो स्थिति है जहां पर वो एफर्टलेस हो जाता है। एफर्टलेस भी इस तरह से हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता, बस आप ये समझ जाएं। उसके पास रिसोर्सेस भी होते हैं तब भी नहीं कर पाता, उसके पास सब कुछ होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, उसे कहते हैं प्रोकेस्टिनेशन। वो एक्शन ले ही नहीं पाता, बिल्कुल नहीं ले पाता। इसका सीधा सीधा एग्जांपल देती हूँ। आजकल सबके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है, यूट्यूब है, गूगल है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन एवरीबडी हैव, एवरीबडी। अच्छा टीचर किसी को मिले या ना मिले, लेकिन इंफॉर्मेशन किस तरह से क्या काम करना है, कब करना है, सब कुछ सबके पास है। लेकिन होता क्या है, जो इंसान प्रोकेस्टिनेशन का शिकार होता है, वो इन सब चीजों को देखते हुए भी, जानते हुए भी आगे बढ़ ही नहीं पाता। कुछ भी हो जाए वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। चौथी चीज ये होती है, इंसान अपने आप ना अपने अंदर बड़ी भ्रांतियां पैदा कर लेता है, धारणाएं पैदा कर लेता है कि मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकूंगा, ये काम हो ही नहीं सकेगा, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं नेगेटिविटी। पाल लेता है अपने अंदर एक नेगेटिव सोच लेता है रिजल्ट की, ये काम हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ये आता है, बहुत ज्यादा उत्सुकता हो जाती है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ साथ बहुत ज्यादा कुछ लोग उत्सुक भी होते हैं, बहुत ज्यादा। देन अब आती है कुछ ऐसी ऑब्स्ट्रक्शंस जिनके कारण से इंसान नहीं बढ़ पाता, जिन्हें हम मेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस कहते हैं। उसमें सबसे पहली आती है डिप्रेशन। डिप्रेशन दोस्तों एक ऐसी चीज है, उस समय इंसान के सोचने समझने की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, बहुत ज्यादा क्षीण हो जाती है। वो एंजाइटी में भी होता है, एंजाइटी भी एक रीजन है, स्ट्रेस भी एक रीजन है, जिसका एक ओवरऑल रिजल्ट आता है बाद में, कुछ समय बाद किसी को इंस्टेंटली भी आता है। डिप्रेशन में एक इंसान होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो रही होती है, जहां पर भी इनएक्शन आ जाता है, जहां पर भी इंसान एक्शन ले ही नहीं पाता, या फिर लेता है तो गलत एक्शन लेता है। अभी हाल ही का कल का एग्जाम्पल आप सभी को पता है, अभी तक शायद लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे ये हुआ क्या है, राइट? बहुत लाइव एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यही है डिप्रेशन, एक पॉज भर का, जैसा मैं, अगर आपने मेरे पहले के सेशंस देखे हैं, जिंदगी में एक पॉज देके देखिए। आपको क्रोध आए उस समय एक पॉज देके देखिए। आपको किसी भी काम को करना हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, अच्छा विचार हो बुरा विचार हो, उससे पहले एक लाइफ में पॉज देके देखिए। आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा, आई एम डैम श्योर, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, एक बेहतर आपका एक्शन होगा। आप रिस्पॉन्ड करेंगे उस सिचुएशन में, रिएक्ट नहीं करेंगे कोई भी चीज को हावी अपने दिमाग पर करके। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अभी थोड़ी देर में अगर आपको गुस्सा आने वाला है ना किसी भी बात से, कुछ भी आप करने लगे, अच्छा भी करने लगे हैं, एक फोन कॉल, जस्ट एक सिंपल फोन कॉल करने से पहले ही आप सोच लीजिए आपने क्या बात करनी है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अगेन मेरा, मेरे को पता है एग्जाम्पल बहुत बच्चों वाला है, लेकिन एक बार करके देखिए। जब आपको कुछ काम करना हो ना, कुछ भी, इनफैक्ट कुछ भी, उससे पहले एक बार उसका चिंतन मनन कीजिए कि क्या करना है। आप जब उसमें एक्शन लेंगे, आई एम डैम श्योर, मैं आपको वादा करती हूँ, आपका एक्शन बहुत बेटर होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, एक लेडी है, अगर वो खाना बना रही है, उससे पहले अगर उसने सोच लिया है, परमात्मा को याद कर लिया है, तो उसका खाना मेरे से आप लिखवा लीजिए, बहुत अच्छा बनेगा, 100%। इसी तरह से आप अपने एक्शन में, कर्म में, अपने एक चिंतन मनन डालिए, उसके साथ साथ अपने
अपनी भावनाएं अच्छी डालिए, आपके एक्शंस, आपके काम, आपका रिजल्ट 100% अच्छा ही आएगा, बेटर आएगा एटलीस्ट उससे जो आपने बिना सोचे समझे करने लगे थे। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के साथ स्ट्रेस होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती हैं, रुकावट बन जाती हैं, हमारे बनते हुए काम नहीं बन पाते हैं, हम कर ही नहीं पाते। ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। इन सभी चीजों से हम किस तरह से बचे, अब मैं बताने चाह रही हूँ पातांडी ऋषि के हिसाब से कि जीवन में किसी भी काम से, मैं देखिए आपको हर चीज को ना साथ ही साथ जोड़ रही हूँ कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम किस तरह से, मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि आप लोग समाधि में जाइए भाई, ठीक है ना, समाधि में जो नहीं भी जाना चाहते हैं वो भी पातांडी ऋषि को फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर बेहतर बना सकते हैं। तो अब मैं आ रही हूं उन रेमेडीज पर जो पातांडी ऋषि ने हमें दी कि हम अपनी दिनचर्या को, हमारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं उनको ओवरकम करते हुए आगे कैसे बढ़े। सबसे पहली चीज उन्होंने जो बताई, सबसे पहला जो रेमेडी उन्होंने दी वो थी वन पॉइंटेडनेस, कि एक किसी लक्ष्य पर आप वन पॉइंटेडनेस हो जाएं। इसी इसी प्रैक्टिस को योग में त्राटक भी कहते हैं। त्राटक के द्वारा भी हम अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। लाइक फॉर एन एग्जांपल, दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर द स्टूडेंट्स, जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते। आप देखिए फोकस ना कर पाने के, अगेन वन एग्जाम्पल आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा मैं जितनी भी बात कह रही हूँ। जो बच्चे फोकस नहीं कर पाते, like, उनके जीवन में क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फ्रेंड्स बाहर खेल रहे हैं मुझे भी खेलना है, ठीक, कुछ फ्रेंड्स मूवी देखने गए हैं मुझे भी जाना है, मम्मी टीवी में डेली सोप देख रही है मुझे भी देखना है, मेरे फ्रेंड्स वहां पर कॉफी शॉप में गए हैं मुझे भी वहां जाना है। ये सारी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल्स है एक स्टूडेंट के लिए जो पढ़ने नहीं बैठ पा रहा, उसका कल एग्जाम है। या फिर अब मेंटल ऑब्स्ट्रक्शन कि मैं तो पास होऊंगा ही नहीं, क्या ये जो मैं पढ़ रहा हूं यही पेपर में आएगा, ये नहीं आएगा इसलिए मैं फेल हो जाऊंगा। डिप्रेशन में है बच्चा, क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या इसको पढ़ने से मुझे लाइफ में मैं कुछ बन पाऊं, इस तरह की चीजें। देखिए ये जीवन में रुकावट आप देख रहे हैं कि हर सिचुएशन में ऐसी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन आती हैं, वो सिर्फ योग साधना में ही नहीं होता, हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे, हम जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें ऑलरेडी खड़ी होती हैं। अब उनसे कैसे निकले, उसमें सबसे पहला बताया हम वन पॉइंटेडनेस, कि हम अपना अपना लक्ष्य बना ले। अगर आप त्राटक नहीं करना चाहते, त्राटक में हम एक दीपक जलाकर फोकस करते हैं, या फिर एक वाइट पेपर पर अब तो आती नहीं है अठन्नी और या चवन्नी 25 पैसा कॉइन जो होता है, उतना बड़ा एक सर्कल बनाकर उसमें ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर करके, किसी दिन मैं इसकी वीडियो जरूर बना के आपसे शेयर करूंगी त्राटक की, प्रॉमिस, कि वन पॉइंटेडनेस हम अपनी कंसंट्रेशन, अपनी अपने फोकस को हम कैसे बढ़ाए उसके लिए, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम उस पे ना थोड़ी दूर लगाकर इसी तरह से बैठकर हम उसको लगातार देखते हैं जिससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है। एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें जो फोकस करने के लिए वन पॉइंटेडनेस का मतलब ये है कि हम अपने लक्ष्य को अपनी रुकावटों से ज्यादा बड़ा बना लें। हम अपने लक्ष्य को अपनी रुकावटों से बड़ा बना लें, सिर्फ अपने लक्ष्य पर यानी अपने ध्यान को केंद्रित कर दें। एक तो ये बताया, दूसरा पातांजलि जी ने डायरेक्टली कहा कि आप प्राणायाम करो, अपने श्वासों को नियंत्रित करो, श्वास प्रश्वास करो, जिससे हमारा मन भी नियंत्रित हो जाए। चले वाते चले चित्ते निश्चलम निश्चले भवे, ऐसा हठ योग प्रदीप का में लिखा है कि हमारे श्वास जैसे चलेंगे हमारा मन भी वैसे चलेगा, जैसे हमारा मन चलेगा हमारा माइंड चलेगा या हमारा हार्ट चलेगा वैसे ही हमारे श्वास चलेंगे। तो क्यों ना हम अपने श्वासों को कंट्रोल में करके अपने मन को भी कंट्रोल कर लें। तो पातांजलि जी ने यही कहा कि प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम करें और अपने जीवन की रुकावटों को खत्म करें। तीसरी उन्होंने चीज कही कि अपनी सेंस ऑर्गन्स को आप इनवर्ड कर लीजिए। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि जो इंसान ऑलरेडी हिला हुआ है उसको आइडिया ही नहीं है वो क्या सही कर
गलत करा है और किस तरह से इन चीजों से ओवरकम कर पाए उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज मैं आप सबके लिए यही मेडिटेशन लेके आई हूँ। अभी जो विदिन 5 to 10 minutes आफ्टर मैं आपको करवाऊंगी मेडिटेशन, इसी पर करवाऊंगी। नेक्स्ट आता है वो कहते हैं मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन में आप बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना बॉडी पर ध्यान लगा सकते हैं। मेडिटेशन में भी मैं यहाँ पर कहूंगी कि धारणा करें। धारणा मीन्स अगेन वी आर ट्राइंग टू फोकस, क्योंकि मेडिटेशन तो अभी हो ही नहीं पाएगी ना। जो इंसान मेडिटेशन कर पाता है उसकी लाइफ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो होंगी ही नहीं, उसका उन पर ध्यान जाएगा ही नहीं अगर कोई इंसान मेडिटेशन में है। इसीलिए इसको आपको समझाने के लिए और क्लियर करने के लिए मैं बता दूं, वो है धारणा, कि अपने आप हम ट्राई करें कहीं ना कहीं फोकस करने का, ध्यान लगाने का। नेक्स्ट उन्होंने कहा इस तरह से जब हम करेंगे, हम ओम का जाप, हमने लास्ट टाइम बताया था ओम का जाप भी करें, हम अपने आप को रीजेनरेट करने की कोशिश करें। फिजिकल प्रैक्टिसेस से, हम अपनी मेंटल प्रैक्टिसेस से, अपने बिहेवियरल चेंजेस से, हम अपना रिपीटिशन ऑफ प्रैक्टिसेस से, हम अपने अंदर के जो ज्योति है उसको जगाएं। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे, और जो आप सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप उसको नोट कर लीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी मैं ब्लैक बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही, नहीं तो मैं आपको लिख के बताती, तो इसलिए थोड़ा सा मोर कंसंट्रेटेड होके इसको सुनिएगा, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा। ये इतना प्यारा श्लोक है, हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर आईवी बासवा रेड्डी जी का फेवरेट श्लोक है ये। वो कहीं भी लेक्चर लेते हैं तो वो जरूर इसको बताते हैं व्यूअर लिसनर्स को कि इसको अपने जीवन में उतारे। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम, माय फेवरेट एज वेल। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य। मैत्री किसके साथ करें? जो सुखी है। करुणा जो दुखी है। मैत्री करुणा मुदितो, खुश किसको देख के होना है? जो पुण्य आत्मा है। उपेक्षा नाम, इग्नोर किसे करना है? जो बुरे कर्म करते हैं। बुरी आत्मा तो कोई नहीं होती ना, क्योंकि है ना बुरे कर्म जो करते हैं उनको इग्नोर कर देना है। अगर हम इस फंडे को अपनी लाइफ में उतार लेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, हमारे जीवन की मैक्सिमम मेजर जो ऑब्स्ट्रक्शंस है, रुकावटें हैं, वो हमारी इंटरनल से ज्यादा ना आजकल एनवायरमेंटल ज्यादा हो गई है। कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल ज्यादा है, मेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस को फिर भी इंसान कोप कर लेता है क्योंकि हर इंसान अपने आप को बेस्ट मानता है, लेकिन सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा होता है वो हमारे लिए बहुत टाइम, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको कोई 1,000 बार ही गालियां दे रहा हो, इनफैक्ट एक बार भी आपको अपशब्द कुछ भी बोल दे आपके बारे में, कुछ भी गलत बोल दे, आप टॉलरेट नहीं कर सकते, है ना? तो उससे कैसे बचा जाए? नॉर्मली लोग क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कैसे होता है? लड़ाई हो जाती है, आप उन्होंने कुछ कहा आपने कुछ कहा ऐसी सिचुएशन में। लेकिन एक योगी योग के मार्ग पर अगर पातालि ऋषि की हम बात माने, ऐसे लोगों को सिंपली क्या करना है? सिंपल इग्नोर। एक वहां पे दीवार खींच दे और अपने कानों में रुई ठूस ले ऐसी सिचुएशन में। लेकिन छोटा सा एग्जांपल है, आप क्या कर सकते हैं? इस फ्रेज का मतलब क्या है? मैत्री सुख, जो सुखी है उसके साथ मैत्री करो। अब सुखी का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा, सुखी का मतलब ये है जो पॉजिटिव हो इंसान। जो भी इंसान पॉजिटिव होगा ना उससे आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, बेकार की बातों में कुछ नहीं रखा। निंदा शिंदा जो करते हैं वो उनको वो वाला सुखी नहीं कह रही। कई लोगों को इस चीज में बड़ा गॉसिपिंग में बड़ा मजा आता है, देखने में लगता है बड़े सुखी हैं, बट हमें ये नहीं। जो पॉजिटिव है उसके साथ मैत्री कर ले, कोई बात नहीं। अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी है भी, तो जब हम एक पॉजिटिव इंसान के साथ जुड़ेंगे हम भी उसके गुणों को ले लेंगे, राइट?
क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट हम अपना क्रिएट करेंगे, जैसे लोगों के साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे हम भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो इसको मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य, इसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए दोस्तों, इतना मजेदार है ना, आपको मजा आ जाएगा। तो अब हम आते हैं, हमने बहुत सारी चीजें जानी आज की, क्या क्या हमारे जीवन में रुकावटें आती हैं जिसके कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते, राइट। एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगी, कई बार दोस्तों हमारा गोल, हमारा उद्देश्य ही गलत होता है, और जो ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, जो रुकावटें आ रही होती हैं, क्योंकि हमारा ध्येय ही गलत है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक गलत टारगेट बना लेते हैं। अब गलत टारगेट और सही टारगेट का कैसे पता चले? एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लगा लीजिए चलिए, तो उसके पास बहुत सारी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की, राइट। अब उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक अपना गलत गोल बना लिया, जिसे कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं, कुछ गलत बना लिया। जैसे कि आजकल मिलिटेंट्स वगैरह करते हैं, वो सब पढ़े लिखे होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, बट उनका गोल गलत है लाइफ का। अभी जैसे चाइना के लिए ही कह रहे हैं कि चाइना ने बनाया है ये वायरस, कहीं से और से नहीं आया, किसी चमगादड़ से नहीं आया, ये चाइना ने खुद से बनाया है। तो उन्होंने, अगर ऐसा है, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का, अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया, गलत गोल बनाया, गलत उद्देश्य से किया, ठीक है। यही अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी को राइट जगह पर इस्तेमाल करते, वो उनका राइट गोल होता। तो इसलिए ये भी जानना बहुत जरूरी है, मैं बार बार कहती हूँ, हमारा गोल, अपने गोल को खुद से एनालाइज जरूर कीजिएगा कि वो गोल हमारे लिए सही है या नहीं है, समाज के लिए सही है या नहीं है, परिवार के लिए सही है। एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से जरूर सोचिएगा जो भी आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाए, ये इतना इम्पोर्टेंट है। लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर अपना गोल कई बार बना लेते हैं। अपने से प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने गोल को, अपने विजन को ब्रॉड बनाकर जीवन में आगे बढ़ेंगे, उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। अपने नॉलेज का, अपनी इंफॉर्मेशन का, अपनी एजुकेशन का, अपने अपने एफर्ट्स का, अपनी ऑस्टेरिटी का सही जगह पर उपयोग करेंगे, तो इससे बढ़िया धर्म और कहीं नहीं है, ठीक है। तो अब इसी के साथ आज की मेडिटेशन शुरू करेंगे। आज हमने ऑब्स्ट्रक्शन सीखी, उनसे हम किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं, किस तरह से उनका हम निवारण कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, अपने घर पर कर सकते हैं, बिना पैसों के कर सकते हैं, वो हमने आज सीखा। अब हम शुरू करते हैं आज की मेडिटेशन। तो बनिएगा मेरे साथ मेडिटेशन में, अपनी अपनी जगह पर। अगर आप कहीं पर बैठे हैं तो बैठे रहें, लेट ना चाहे लेट जाए, आंखें कोमलता से बंद, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें, नितांत ढीला। दोस्तों मैं आंखें खुली रखूंगी, एक्चुअली बीच में कोई कॉल आ जाती है तो मेरा फोन बंद हो जाता है, पता नहीं चलता, इसलिए मैं खुली रखूंगी, ये मत सोचना क्यों खोली है, ठीक है। चलिए लंबा गहरा श्वास भर जाए एक बारी, निकाल जाइएगा, एक बार फिर से भर जाए, निकाल जाए, फिर से भर जाइएगा और निकाल जाए। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए, यानी अपनी बंद आंखों से एक बार महसूस कर जाए अपने आसपास के वातावरण को, अपने श्वासों पर अपने ध्यान को बना लीजिएगा कि श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। श्वास भीतर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है। एक बार अब हम पूरे शरीर को देखेंगे, देख जाए अपना सिर, ओम शांति बोलते जाइएगा, देख जाए पुनः अपना सिर,
माथा, दोनों आईब्रोज, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, ऊपर वाला होठ, नीचे वाला होठ, जिह्वा, सभी दांत, ठुड्डी, पूरा जबड़ा, गर्दन, गर्दन की मांसपेशियां, पीछे पूरी की रीढ़, पीठ, कमर, पुनः कंधों को देख जाए, दोनों भुजाएं, कोहनी तक का भाग, कलाई तक का भाग, हथेलियां, दसों उंगलियां, छाती, पेट, नाभि, नाभि से जंघाओं तक का भाग, घुटनों तक का भाग, आपकी पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलवे, पंजे, दसों उंगलियां, पूरा का पूरा शरीर बिल्कुल शांत हो चुका है। अपने आप को कह जाए मन ही मन, मेरा शरीर शांत हो चुका है, मेरा शरीर शांत हो चुका है। अब पांच सांस जरूर कर जाएं, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास बाहर निकालें, श्वास भरें तो बोल जाएं ओम शांति, निकालें तो बोल जाएं ओम शांति। पांच श्वास करते जाएं, जाप भी करते जाएं। श्वासों का सीधा सीधा संबंध हमारे मन के साथ होता है, तो दोस्तों कह जाएं मन ही मन, मेरा मन शांत हो चुका है, मेरा मन शांत हो चुका है। मेरा मन शांत हो चुका है। अब अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने कानों पर ले आए। आपको जो भी सुनाई दे रहा हो, अगले कुछ क्षणों के लिए मैं भी शांत हो जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। आपको आसपास के वातावरण की जो भी आवाज आ रही हो, कान के भीतर की कोई भी आवाज हो, उसको सुनने का प्रयास करें। अपना फोकस मात्र अपने कानों पर बनाए रखें। अपनी नासिका पर अपने ध्यान को ले आए, अपने नाक के छिद्र यानी नॉस्ट्रिल्स पर अपने ध्यान को ले आइएगा। वहां पर भी जो भी संवेदना, जो कुछ भी हो रहा है, उसको महसूस कर जाए। श्वासों का आना जाना, कोई अगर आपको खुशबू या स्मेल आ रही हो, बस महसूस कर जाए।
आए अपने ध्यान को अपनी आंखों पर बना दे। आंखें बंद ही रखिएगा, आंखों के भीतर अगर आपको कोई भी रंग दिखाई दे, चाहे वो काला रंग हो, गहरा नीला, बैंगनी, किसी भी तरह का कोई अगर आपको रंग दिख रहा हो, सफेद रंग, गोल्डन कलर, येलो कलर, आप बस मात्र उसे देख जाए। कोई दृश्य दिखे उसे भी देख जाए, बस दृष्टा बन के देखें, अपने विचार साथ में ना जोड़िएगा। अब ले आए अपने ध्यान को अपनी जिह्वा पर। जिह्वा पर आपको तो सबसे पहले सलाइवा ही महसूस होएगा। कोई अगर टेस्ट इस समय आ रहा है तो उस टेस्ट को महसूस कर जाए, अपनी टेस्ट बर्ड्स को महसूस कर जाए। बस अपनी जिह्वा के टिप पर अपने ध्यान को बनाए रखें। अब ले आए अपने ध्यान को अपने हाथों पर, या जहां पर भी आपका शरीर छू रहा है किसी भी और चीज से। इनफैक्ट आपके कपड़े भी आपको छू रहे हैं, उस टच को महसूस कर जाएं, कहां कहां पर शरीर पर कपड़े छू रहे हैं। जिस चेयर पर या फिर बेड पर, सोफे पर, आप जहां भी बैठे बैठे हैं उस टच को महसूस कर जाएं। इनफैक्ट हवा, एयर का, पंखे की जो हवा आ रही है, एसी की जो एयर आ रही है, अगर आप बाहर बैठे हैं, बाहर की जो हवा है हल्की सी, उसको भी महसूस कर जाए अपनी स्किन के साथ। ध्यान को ले आए पूर्णतः अपने शरीर पर, सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक, अपने शरीर को महसूस कर जाए। पूरा का पूरा शरीर, मन, भावनाएं, हमारे सेंस ऑर्गन्स शांत हो चुके हैं, ऐसा महसूस कर जाए। और दोस्तों, ये वो प्रक्रिया है जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, हम करेंगे शांति पाठ। पूरे विश्व की शांति की कामना करते हुए, पूरा विश्व स्वास्थ्य को महसूस कर पाए, स्वास्थ्य में स्थापित हो पाए, सभी में आपस में भाईचारा, प्रेम हो, यानी सब जगह खुशियां हो, स्वास्थ्य हो, एक दूसरे के साथ बढ़िया से लगाव हो, ऐसी कामना करेंगे इस श्लोक के द्वारा। आप सब मेरे साथ जरूर कीजिएगा। लंबा गहरा श्वास भर जाए, एक बारी निकाल दीजिएगा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे
नमस्कार मुद्रा में ले आए, पातांजलि ऋषि को, परमात्मा को, अपने पेरेंट्स को, सभी को, अपने गुरुजनों को खास तौर पे धन्यवाद कर जाए आज के ज्ञान के लिए कि उनकी कृपा से आपको ये ज्ञान प्राप्त हो पाया। इसी के साथ विश्व शांति, विश्व स्वास्थ्य की कामना कर जाएं और परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा, हमारी बुद्धि योग के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, स्वास्थ्य के मार्ग पर एकाग्रचित रहे, ऐसी बनाए, फोकस्ड रहे, ऐसी बुद्धि बनाए जिससे हम जीवन में ऐसे ही कार्यों में निरंतर लगे रहे, स्वयं के कल्याण के लिए, जन के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए। इसी के साथ परमात्मा को धन्यवाद कर दीजिएगा, दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में मिलाइएगा, रगड़िएगा, कर्माहट हल्की सी होने पे अपनी आंखों पर ढके, यहीं पे पल के खोल बंद करने के बाद हाथ वापस ले। तो आशा रखती हूँ आज का आपका सेशन अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने जीवन में उतारने का जरूर कोशिश करेंगे। आज हमने डिस्कस की थी सभी वो टेक्निक्स जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आने वाली रुकावटों से बच सकते हैं, उन रुकावटों से आगे की तरफ उभर सकते हैं, उन रुकावटों को क्रॉस करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य पे आगे बढ़ सकते हैं। और उसी संदर्भ में आज हमने ये मेडिटेशन भी की थी। आपने जब भी कभी ये मेडिटेशन करनी हो आप इसी वीडियो को देख के कर सकते हैं और आने वाले समय में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी ये सभी वीडियोस, अलग अलग तरह की मेडिटेशन जो अलग अलग तरह की हमारी प्रॉब्लम्स से हमें कोप करने में फायदेमंद रहेंगी, मैं जरूर बनाऊंगी और शेयर भी जरूर करूंगी आप सभी के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल है अनुयोग होलिस्टिक हेल्थ हीलर, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, उन सभी वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ। तो जुड़िएगा मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पेज है अनुयोग जिसमें आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। ये मेडिटेशन और ये ज्ञान पातांजलि का अद्भुत है, अविस्मरणीय है, इस ये नहीं मिल पाता है, हो सके तो वीडियो भी शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जिससे वो भी इन सभी ज्ञान का फायदा उठा पाए, अपने जीवन में उतार पाए। देखिए एक बार, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग मधु जी, राम कमल जी, दीपक कुमार जी, सुषमा गुप्ता जी, सुनील कुमार जी, आशीष पटेल जी, अमिता जी, सजन अग्रवाल जी, राहुल गोयल जी, महेश जी, अमित त्यागी जी, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे एज वेल। कल फिर हम मिलेंगे और साथ ही साथ मैं कल के सेशन की भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। कल का सेशन 5 बजे जो हमारा एक्सपर्ट टॉक है उसका दूसरा दिन है, उसमें आपसे मिलेंगे डॉक्टर राकेश शर्मा, वो आपसे एक्यूप्रेशर के एक्सपर्ट हैं, वो पीएचडी किया उन्होंने एक्यूप्रेशर में ही, वो आपसे एक्यूप्रेशर सुजोक जितनी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज हैं नेचुरोपैथी उनके जरिए हम किस तरह से COVID-19 से लड़ सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं और होने के बाद उसके क्या क्योर है, कल उनका विषय ये रहेगा। तो कल 5 बजे भी जुड़िएगा और 7 बजे जैसा मेरा रेगुलर ये सेशन है ये रहेगा। और परसों से मैं शुरू करूंगी सुबह मॉर्निंग में, इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है तो मॉर्निंग में मेरा एक सेशन प्रैक्टिकल का रहेगा, परसों से शुरू करूंगी। टुडे इज 15, तो दैट मींस 17th से मैं प्रैक्टिकल सेशन सुबह, टाइम अभी डिसाइडेड नहीं है, मैं यहाँ पर जरूर शेयर करूंगी टाइम क्या रहेगा, आप उसमें भी मेरे साथ जुड़िएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई विल वाइंड अप हियर। So God bless you all, keep smiling and be happy without any reason. खुश होने के लिए कोई reason नहीं होना चाहिए। जब भी stressful feel करें, depression feel करें, ऐसा feel करें, जिंदगी क्षण भंगूर है, जैसा सुशांत जी ने किया, मुझे हम पूरा विश्व यही सोच रहा है कि क्यों किया उन्होंने ऐसा,
प्लीज किसी से एटलीस्ट बात करें ऐसे पलों में। बॉस ने अपनी जिंदगी में, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये जिंदगी ऐसे ही छूटते हुए हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो हमें परमात्मा ने दिया है वो समाज के कल्याण के लिए, समाज को अपना जीवन समर्पित करें और आगे बढ़ें। सबके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उनसे निकल के आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तो प्लीज विदाउट एनी रीजन खुश रहने की कोशिश करें, अपने आप आपको एक आदत सी बन जाएगी। जैसे लोगों की एक दुखी रहने की आदत होती है ना कि ये है ये है ये है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, उसी तरह से ना वो एक आदत बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है ना एक आदत लोगों की कि हमारे साथ ये नहीं होता, हमारे साथ ये हुआ है। वो कुछ अच्छा भी हो रहा होगा ना, आप देखोगे उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो किसी से मिलेंगे तो सिर्फ यही बात करेंगे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं है, लाखों करोड़ों होंगे, बाहर मर्सिडीज खड़ी है, लेकिन वो ऐसे कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, उन्होंने यही बोलना है हमेशा हमेशा यही बोलना, आप देखना। इनफैक्ट जिनकी एक नॉर्मल लाइफ भी, रूटीन लाइफ भी, मतलब कि नॉर्मल अच्छे से चल रही होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी भी यही आदत होती है, उन्होंने जब भी आप उनसे मिलेंगे, फोन पे बात करेंगे या मिलेंगे, उन्होंने बस नेगेटिव बोलना शुरू कर देना है, तो वो उनकी आदत बन चुकी है, वो बोलना नहीं चाहते, मैं आपको सच बताऊं तो वो उनकी एक आदत बन गई है। तो इसी तरह से क्यों ना हम बार बार शुरू में झूठी बोलकर सही कि हम खुश हैं, उसको एक अपनी आदत बना ले, और वो जो आदत होगी वो अपने आप वैसी ही चीजें हमारे जीवन में अट्रैक्ट करेंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैं नहीं कह रही हूँ, प्रकृति का नियम है। जो ऐसी हम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, अपने आप को झूठ बोलने में क्या जा रहा है, थोड़े दिन बोलेंगे वो जिंदगी अपने आप वैसे ही खूबसूरत बननी शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरा मंत्र ऑफ लाइफ है जो मैं आपसे भी कह रही हूँ, ऑलवेज बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन, कि मेरी जिंदगी में ये होगा तब मैं खुश होंगी, मेरी जिंदगी में ये इंसान होगा तब मुझे खुश होना है, विदाउट एनी रीजन। आप बस खुश होना एक बार सीख लीजिए, जिंदगी यही स्वर्ग है, कहीं और स्वर्ग नहीं है। तो फिर विद दिस नोट, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन आल्सो, एंड फिर हम कल मिलेंगे 5 बजे, जो एक एक्सपर्ट टॉक है उसमें भी जुड़िएगा, और बाद में 7 बजे का यही मेरा सेशन, उसमें भी जुड़िएगा। तो स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, कल मिलते हैं।